वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। और आप लोगों ने रिसर्च की कल, कीवर्ड्स कुछ एक्सप्लोर की है अपनी निश से रिलेटेड, और उनका डाटा वगैरह लिखा है आप लोगों ने कि उस पर कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं कितनी नहीं है। आया कि दैट इज़ लाइक वी कैन से मिड कंपटीशन, लो कंपटीशन और हाई कंपटीशन। किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो बता दें, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। आप सब लोगों को आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑलराइट, सो जब हम बात करते हैं कि हम लो कंपटीशन या हाई कंपटीशन को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, तो फाइवर पे जब भी हम लोग किसी भी गिग को रिसर्च करते हैं, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, राइट, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। तो यहाँ पर हमें जो लास्ट पे सर्चेस नज़र आ रही होती हैं, लाइक लास्ट पे जो हमें अकाउंट्स नज़र आ रहे होते हैं लोगों के, ठीक है, हमने देखना होता है कि आया कि हमें यहाँ पर कोई ऐसा एविडेंस मिलता है कि हम लोग विदाउट लेवल विदाउट फीडबैक हैं, करेक्ट। तो क्या इस कीवर्ड के ऊपर बॉटम में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि विदाउट लेवल विदाउट फीडबैक यहाँ पर मतलब पोजीशन सिक्योर किए हुए हैं, राइट। सो इसलिए हम लोग जो है वो इसके कंपटीशन को इस तरह से चेक करते हैं कि लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कि विदाउट लेवल और विदाउट फीडबैक बैठे हो। ये हम बेसिकली चेक इसलिए करते हैं कि हम लोग खुद भी विदाउट लेवल विदाउट फीडबैक होते हैं, और हम देखते हैं कि आया कि इफ देर इज अ पोटेंशियल ऑन एनी कीवर्ड, आया कि वी कैन रैंक और नॉट, राइट। तो आप में से मैंने स्टूडेंट्स को काम ये दिया था कि आप लोगों ने कीवर्ड्स एक्सप्लोर करके आने, तो कितने स्टूडेंट्स ने एक्सप्लोर किए हैं कीवर्ड्स? वालेकुम अस्सलाम।
किसी ने भी रिसर्च नहीं की, किसी ने भी कीवर्ड एक्सप्लोर नहीं किए, ठीक है, दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी वेरी मच डिसअपॉइंटिंग। है ना, एटलीस्ट उनके पास ऑर्डर्स तो है ना, ऑर्डर्स तो उनके पास है, ठीक है। हमने कौन सा एक ही बंदे को देखना है, हमने मल्टीपल लोगों को देखना है, ठीक है। अगर आपको विदाउट लेवल, देखिए पता क्या बात है, ज़्यादा ऑर्डर्स के साथ भी विदाउट लेवल वाला बंदा रह सकता है, ठीक है, तो ऑर्डर ज़्यादा मैटर करते हैं। तो सिर्फ दो स्टूडेंट्स ने किया रिसर्च, नेविगेटर हुसैन और हिना इद्रीस, बाकी सबका क्या प्रॉब्लम था? वालेकुम अस्सलाम। अगर आप लोगों को आवाज आ रही है, हिमास की लोकेशन के बाकी सबको क्या प्रॉब्लम था, बाकी सबने रिसर्च क्यों नहीं की? चलें खैर, नेक्स्ट हम देखते हैं जी पोटेंशियल। अच्छा, जब बात हम करते हैं कंपटीशन की, तो यहाँ पर एक चीज़ आती है कि आया कि अगर हम किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर देख रहे हैं कि उसका कंपटीशन थोड़ा है, या कंपटीशन लाइक जैसे हम बात करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने कीवर्ड्स बना लेने। कीवर्ड्स बनाने के बाद हम लोग इसे सर्च करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस पे है हमारे पास मीडियम कंपटीशन। अब हमने देखना ये है कि आया कि जिस कीवर्ड को हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, फर्ज करें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, तो क्या इसके ऊपर पोटेंशियल भी है? जिस तरह कल शायद एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो हम उनमें कंपटीशन वगैरह देखते हैं, तो जब हम कंपटीशन देखते हैं, जैसे मैंने बताया था कल आप स्टूडेंट्स को कि आप यहाँ पे लिखे ना मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 5 फीडबैक, लाइक 6 फीडबैक, 14 फीडबैक, 7, 13, 28, 15, 10, और यहाँ पर कंपटीशन कितना है, 1,03,551, ठीक है, तो यहाँ पर कंपटीशन भी हाई है, यहाँ पर कंपटीशन भी थोड़ा है। नाउ समवन इज आस्किंग फ्रॉम यू पीपल कि हम किस तरह से मेक श्योर करेंगे कि जिसके ऊपर कॉम्पिटिशन थोड़ा है वहाँ पर हमें ऑर्डर भी आएगा, ठीक है, यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, यहाँ पर ऑर्डर भी आ रहे हैं लोगों को, ठीक है, इट मींस इसके अंदर पोटेंशियल है इस कीवर्ड के अंदर। बट हाउ वी कैन बी श्योर अबाउट दिस कीवर्ड कि यहाँ पर अगर हमारे पास कंपटीशन थोड़ा है, तो हम किस तरह से मेक श्योर करेंगे कि हमारे पास इसके अंदर पोटेंशियल है कि अगर हम इस एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग को, अपनी सर्विस को रैंक करते हैं, तो हम किस तरह से, लाइक क्या हमें कोई ऑर्डर आने के चांसेस भी हैं या नहीं, क्या बायर हमें यहाँ से इस वे से अप्रोच कर सकता है या नहीं।
ठीक है। तो ये हम लोगों ने चेक करना, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसकी ना टॉप से 8 gigs लिखना है, बेशक आप लोग अपने पास, बिल्कुल टॉप से हम लोग 8 gigs एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। आपके लैपटॉप के ऊपर एक कंट्रोल का बटन होगा, आप लोगों ने वो प्रेस करके डिफरेंट टैब्स को ओपन करना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं टॉप से 8 gigs ओपन कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। जब मैंने 8 gigs ओपन की तो मैं देख रहा हूँ, अब मैं क्या देखूँगा कि मैं देखूँगा कि इनके ऊपर लोगों को क्या ऑर्डर्स क्यू में लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। ऑर्डर क्यू में लगने का क्या मतलब है कि इन लोगों के पास पोटेंशियल है, ठीक है, इन लोगों के पास क्या है, पोटेंशियल है। अब इस पोटेंशियल को हमने चेक करने के लिए ये डिफाइन किया कि अगर तो इनके पास पहले 8 लोगों के पास इनमें से 5 या 6 लोगों के पास ऑर्डर क्यू में लगे हुए हैं, और लास्ट वाली 8 lines में से भी अगर 4-5 के पास ऑर्डर्स लगे हुए हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसके अंदर पोटेंशियल है। ठीक है, तो ऑर्डर्स इन क्यू हम लोगों ने देखना होता है। अब हमारे पास यहाँ पर पहली गिग के अंदर कितने ऑर्डर्स इन क्यू हैं, 7 ऑर्डर्स इन क्यू, ठीक है। इसी तरह हम सेकंड गिग देखते हैं, इसके ऊपर हमारे पास 13 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 ऑर्डर्स इन क्यू, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 1 ऑर्डर इन क्यू। नेक्स्ट हमजा हाशमी, वी हैव लाइक 8 ऑर्डर्स इन क्यू ऑन दिस गिग। नेक्स्ट मूव करते हैं, वी हैव लाइक 6 ऑर्डर्स इन क्यू, राइट। एंड नेक्स्ट वी हैव लाइक 1 ऑर्डर इन क्यू, एंड नेक्स्ट वी हैव लाइक 3 ऑर्डर्स इन क्यू। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास, हमें कोई पहले 8 में से 5 से 6 लोग चाहिए थे जिनके पास ऑर्डर्स होते हैं, तो यहाँ पर 8 में से 8 के पास ही 1, 2, 3, 5, 7 ऑर्डर्स क्यू में लगे हुए हैं, क्लियर। सो दैट मीन्स कि हमारे पास इसके टॉप वाले सेक्शन के अंदर तो पोटेंशियल है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास टॉप के अंदर तो पोटेंशियल है, अब हमें चेक करना है इसको बॉटम से। बॉटम से 8 gigs ओपन करेंगे हम, क्या कंट्रोल का प्रेस करेंगे, बट कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और 8 gigs को एक्सप्लोर करेंगे, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों के पास क्या ऑर्डर्स क्यों में लगे हुए हैं। सो द फर्स्ट पर्सन आई हैव नो ऑर्डर्स, राइट। उसके बाद द सेकंड पर्सन हैव 3 ऑर्डर्स इन क्यू, द थर्ड पर्सन हैव नो ऑर्डर्स इन क्यू, द फोर्थ पर्सन हैव 1 ऑर्डर इन क्यू, द फिफ्थ पर्सन हैव 1 ऑर्डर इन क्यू, द सिक्स्थ पर्सन हैव नो ऑर्डर इन क्यू, द सेवंथ पर्सन हैव 1 ऑर्डर इन क्यू, द एट्थ पर्सन हैव 1 ऑर्डर इन क्यू। सो वी फाइंड लाइक 5 पीपल फ्रॉम बॉटम हु हैव सम ऑर्डर्स इन क्यू, लाइक 1, 2, 3 और 5, राइट। तो अब हमें लाइक हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी कि टॉप से भी कोई 5-7 हो जाए और बॉटम से भी कोई 4 से 6 तक हमें कोई ऐसे लोग मिलने चाहिए जिसके पास ऑर्डर्स इन क्यू लगे हों, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसके ऊपर हमारे पास पोटेंशियल भी काफ़ी है, मतलब हम इसको, आप इसको डिफाइन कर दें कि इसके ऊपर जो है वो हमें लाइक एक अच्छा पोटेंशियल मिल गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हमारे पास अगर बॉटम में भी 5-6 मिल गए आप लोगों को, तो आप इसको हाई पोटेंशियल कह दें।
है। अब यहाँ पर हमें इस कीवर्ड के ऊपर हाई पोटेंशियल मिला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर। अब हम कोई ऐसा कीवर्ड पकड़ते हैं जिसके ऊपर लाइक हमें पता चल जाए कि इसके ऊपर लो पोटेंशियल है या इसके ऊपर जो है वो मीडियम पोटेंशियल है, ठीक है। है, लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो हम इस कीवर्ड को रिसर्च कर लेते हैं। मैं बार बार रिसर्च इसलिए परफॉर्म करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। वो सर्च इट ऑन फाइवर। जी, तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एड किट्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। We have like 2 orders in queue, 7 orders in queue, 6 orders in queue, 12 orders in queue, no order in queue, no order in queue, 2 orders in queue and 8 orders in queue. We have like 6 evidences out of 8 ऑन दिस कीवर्ड बिजनेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर हमारे पास टॉप पे कॉम्पिटिशन है, राइट। अब हम चेक करते हैं इसके बॉटम में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वी हैव लाइक नो ऑर्डर इन क्यू, 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 1 order in queue, no order in queue and no order in queue. So we can say this specific keyword have medium competition because यहाँ पर हमारे पास बॉटम में लाइक कोई भी, मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी ऑर्डर, मतलब कोई भी लेवल नहीं, कोई भी ऑर्डर नहीं है। सो वी कैन से इट्स अ लो कॉम्पिटिशन, ठीक है। और यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो हमें मिला है मीडियम पोटेंशियल, पोटेंशियल भी मीडियम है इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर पोटेंशियल भी मीडियम है। अब ऐसे है कि अगर आप लोगों को कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाए, आप लोगों को कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिसका कंपटीशन लो हो और पोटेंशियल ज़्यादा हो, तो क्या वो वाला कीवर्ड आपके लिए बेनिफिशियल होगा? आप लोग मुझे बताएं, हमारे लिए कौन सा कीवर्ड बेनिफिशियल होगा, कौन सा पेयर बेनिफिशियल होगा? लो कॉम्पिटिशन, लो पोटेंशियल, हाई कॉम्पिटिशन, लो पोटेंशियल, लो कॉम्पिटिशन, हाई पोटेंशियल, इनमें से कौन सा कीवर्ड आप लोग समझते हैं, कौन से कीवर्ड्स हमारे पास, कौन सा पेयर हमें ज्यादा बेनिफिट दे सकता है? व्हाट डू यू पीपल थिंक, विच टाइप ऑफ कीवर्ड सूट्स बेस्ट टू अस? थर्ड, थर्ड वन विद लो कॉम्पिटिशन एंड हाई पोटेंशियल, डेफिनेटली दिस इज लाइक अंडरस्टूड कि एक 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 कीवर्ड हमें ऐसा मिल जाता है। और इंशाल्लाह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब हम करेंगे तो वहां पर भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास लो कॉम्पिटिशन और हाई पोटेंशियल है, तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड होगा। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि एक ऐसा पाथ जहाँ पर सरवाइव करना आप लोगों के लिए आसान हो, ठीक है। और आप लोगों को अगर इस तरह के कीवर्ड्स मिल जाते हैं जहाँ पर लो कंपटीशन और हाई पोटेंशियल हो, सो दैट्स अ गुड थिंग। हाई पोटेंशियल हम किसे कहते हैं?
हाई पोटेंशियल के बॉटम में भी 5 से 7 लोग ऐसे मिल जाए जिनके पास ऑर्डर्स हैं, और टॉप से भी 5 से 7 लोग ऐसे मिल जाए जिनके पास ऑर्डर्स इन क्यू हैं, क्लियर? तो उसको हम क्या कह देंगे, हाई पोटेंशियल। अगर हमें एक ऐसा कीवर्ड मिले जो हाई पोटेंशियल है और उसके ऊपर मीडियम कॉम्पिटिशन है, तो हम इस कीवर्ड को भी चूज करेंगे, ठीक है? तो उसके बाद हम चेक करते हैं एक और कीवर्ड, ठीक है, उसका कॉम्पिटिशन और पोटेंशियल, लाइक पावर पॉइंट टेम्पलेट, ठीक है? इसको हम सर्च कर लेते हैं, पावर पॉइंट टेम्पलेट को। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, हम लोगों ने कुछ गिग्स ओपन किए हैं, ठीक है, वी हैव लाइक 2 ऑर्डर्स इन क्यू, 6 ऑर्डर्स इन क्यू, 5 ऑर्डर्स इन क्यू, 2 ऑर्डर्स इन क्यू, 2 ऑर्डर्स इन क्यू, 3 ऑर्डर्स इन क्यू, 1 ऑर्डर इन क्यू एंड 2 ऑर्डर्स इन क्यू। दिस इज अ गुड कीवर्ड, आई थिंक सो। लाइक 827 सर्विसेज अवेलेबल ओनली, एंड वी हैव लाइक good orders, good potential in first 8 gigs. That's a good thing. And also we have like competition. We found only one evidence with no feedback and like no level. Let's look at some other gigs. We find another gig with no level and no order, right? And we find another gig with no level and no order, right? So we can say this specific keyword, like a PowerPoint template, have a low competition. Why? Because we find some evidences where we cannot see a person with no order and no feedback. Sorry, no order and no level. Right? So हम इसे कहते हैं कि हमारे पास ये low competition है. Clear? अब हम देखते हैं कि आया कि इसके ऊपर कोई पोटेंशियल है या नहीं है, ठीक है? पोटेंशियल के लिए हमने फर्स्ट 8 गिग्स को एक्सप्लोर किया, तो पहली 8 गिग्स में से सभी के पास ऑर्डर्स थे, क्लियर? पहली 8 गिग्स में से सभी के पास ऑर्डर्स थे। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द लास्ट 8 गिग्स। वी हैव नो ऑर्डर इन क्यू, नो ऑर्डर इन क्यू, No. So we can say this specific keyword has medium competition. Sorry, medium potential. ठीक है, लो पोटेंशियल वो होगा जिसके ना टॉप के ऊपर ऑर्डर्स होंगे ना बॉटम में होंगे, क्लियर? सो लेट्स लुक आउट फॉर अनदर कीवर्ड like redesign PowerPoint presentation. So the competition is low because we find no level, no orders in queue, sorry, no level and no order, and we have only 2400 services available. Let's explore from bottom. I think we may not find any order in queue from the bottom 8 gigs. Yes, we cannot see that. Right? Let's explore first 8 gigs. Whether we can see any order in queue or not. Oops. This isn't allowing me.
ज़्यादा फास्ट एक्सप्लोर करेंगे तो वो आपको एक्सेस नहीं करने देगा, ठीक है। खैर, बट दिस इज़ द बेसिक आइडिया, दिस इज़ द बेसिक आइडिया। इस चीज़ की आप स्टूडेंट्स को समझ आ गई किस तरह से आप लोगों ने कॉम्पिटिशन और पोटेंशियल चेक करना है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जी, अब आप लोग रिसर्च कर लेंगे इस पे। आप सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी निश से रिलेटेड इस तरह के कीवर्ड्स फाइंड करेंगे और उनका कंपटीशन और पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, ठीक है। नाजिया, बेसिकली कल हम लोगों ने क्या सर्च किया था? हम लोगों ने सर्च किया था कि किस तरह से हम लोग किसी भी एक गिग का कंपटीशन चेक करते हैं, ठीक है। कंपटीशन के लिए मैंने दो एस्पेक्ट्स बताए थे। एस्पेक्ट नंबर वन, क्या हम देखते हैं कि कितनी सर्विसेज अवेलेबल है, क्लियर। और दूसरा एस्पेक्ट क्या था कि हम बॉटम में देखते हैं कि आया कि हमारे पास क्या ऐसे लोग हैं इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर जो बगैर लेवल के और बगैर किसी फीडबैक के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बगैर लेवल के, बगैर उसके बैठे हुए हैं लोग, विदाउट लेवल, विदाउट फीडबैक, तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर लो कंपटीशन है, ठीक है। और अगर यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं बैठा हुआ, ठीक है, तो फिर हम इसको कह देंगे कि हमारे पास हाई कॉम्पिटिशन है, ठीक है। और अगर एक एक ऑर्डर के साथ बैठे हुए हैं तो हम कह देंगे कि इसके ऊपर मीडियम कॉम्पिटिशन है, दैट्स इट। तो ये हमने कल डिफाइन किया था कि ये हो गया हमारे पास कंपटीशन। और आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने पोटेंशियल देखा है। कि कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि जब हम देखते हैं कि इस एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन थोड़ा है, ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि उस कीवर्ड के ऊपर हमें ऑर्डर्स भी आएँ। क्या पता कस्टमर वो कीवर्ड सर्च ही ना करता हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। सो उस प्रॉब्लम को देखने के लिए, उस प्रॉब्लम का हल ये था कि हम लोग चेक करें कि पोटेंशियल भी है इस कीवर्ड के अंदर के नहीं, कि अगर हम अपनी गिग को टारगेट करते हैं इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर तो क्या हमें यहाँ पर कोई पोटेंशियल मिलेगा भी या नहीं, ठीक है। तो पोटेंशियल चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग पहली 8 गिग्स, कोई भी कीवर्ड जब आप लोगों ने सर्च करना है तो उसकी पहली 8 गिग्स को ओपन करना है, ठीक है, और उसके बाद लास्ट वाली 8 गिग्स को आप लोगों ने ओपन करना है, ठीक है। अगर तो पहली 8 गिग्स में से 5 से 7 लोगों के पास ऑर्डर्स हैं, दैट्स ओके। और लास्ट पे भी अगर आपको 5 से 7 लोगों के पास ऑर्डर्स इन क्यू मिल जाते हैं, सो दैट्स बेसिकली द साइन कि आप लोग के पास उसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो मीडियम है, सॉरी हाई पोटेंशियल है। अगर लास्ट पे भी आपको मिल जाते हैं कुछ ऐसे लोग जिनके पास कुछ ना कुछ ऑर्डर्स क्यू में है, तो आप लोगों को पता लग जाता है कि इसके ऊपर हाई पोटेंशियल है। लेकिन अगर ना तो टॉप के ऊपर कुछ ऑर्डर्स इन क्यू में है, ना तो बॉटम में 8 गिग्स में से किसी के पास कुछ ऑर्डर्स इन क्यू है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसके ऊपर पोटेंशियल लो है, ठीक है। अगर टॉप के ऊपर 8 में से 5 से 7 लोगों के पास ऑर्डर्स इन क्यू है और बॉटम में किसी के पास भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि इसके ऊपर मीडियम पोटेंशियल है, ठीक है। मुझे बता दें अगर किसी को क्वेश्चन है तो क्लियर कर देते हैं, वरना हम मूव करते हैं नेक्स्ट गिग क्रिएशन की तरफ।
चलें, ठीक हो गया, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, मैं अभी बाकी लोगों की प्रोफाइल्स विजिट करता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद ये क्रिएट करता हूँ। हाँ जी, आप लोग फाइबर पर सर्विसेज भी बाय कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम 1, 2, 3 या इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली होता क्या है, अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे ना एक और मैनेजमेंट की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आप लोग अटेंडेंस क्यों नहीं लगा रहे। अटेंडेंस का लिंक आप लोगों को ग्रुप के अंदर दिया गया है और वही सेम लिंक रोजाना यूज होता है, तो आप उसको पहले ओपन करके रोजाना पहले अटेंडेंस लगा लिया करें, क्योंकि अगर आप अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी और आप लोगों को फिर सर्टिफिकेट में इशू होगा। चलिए खैर, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, कुछ असाइनमेंट, कुछ प्रोफाइल्स मैं आज विजिट कर लेता हूँ, ठीक है, तो उन पे कुछ फीडबैक दे देता हूँ। ओके, हम ना ये लास्ट पे करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग ना गिग क्रिएशन की तरफ थोड़ा सा कोई टाइटल वगैरह सिलेक्ट कर लें, उसके बाद हम इसको जो है ना लास्ट पर रिव्यू कर लेते हैं। ऑफ कोर्स तनवीर अहमद, मैं आप लोगों को बिजनेस मॉडल सिखाऊंगा ऐसा जिसके जिस पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के लिए फ्रीलांसिंग ही रह जाएगी, ठीक है, आप लोग अगर उस बिजनेस मॉडल को खुद फॉलो करेंगे तो यू कैन अर्न इवन बेटर, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ फाइवर अपवर्क पे ही बाउंड रहे, फाइवर अपवर्क तो प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ है कि यहाँ से आप लोग किसी ना किसी तरह स्टार्ट से अपनी अर्निंग शुरू कर लें, ताकि मोटिवेशन आप लोगों की जो है वो मेंटेन रहे। प्रोफाइल में चेंजेस कैसे कर सकते हैं, प्रोफाइल में चेंजेस करने के लिए आप लोग क्लिक करेंगे अपर राइट कॉर्नर पे, ठीक है, और सेटिंग्स में आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से आप लोग जो है वो ये यहाँ पर अकाउंट डीएक्टिवेशन, जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि अकाउंट को क्लोज कैसे करना है, ठीक है, अपर राइट कॉर्नर पे क्लिक करके सेटिंग्स पे क्लिक करना है, ठीक है, अकाउंट पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अकाउंट डीएक्टिवेशन आ रहा होगा, ठीक है, अकाउंट डीएक्टिवेशन के लिए यहाँ पर आप लोगों को रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी रीजन, नॉट गेटिंग इनफ ऑर्डर्स, नेगेटिव एक्सपीरियंस विद बायर, आई गेट टू मेनी ऑर्डर्स, इसमें से कुछ भी सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने डीएक्टिवेट कर देना है, ठीक है, तो इस तरह आप लोगों का अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आप लोग प्रोफाइल में कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो चेंजेस करने के लिए आप लोग अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे,
यहाँ से प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। नाउ इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू मेक चेंजेस विथ, ठीक है। अब यहाँ पर चेंजेस अगर आप लोग करना चाहते हैं लाइक डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग लिखेंगे एडिट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आप लोग क्लिक करेंगे एडिट डिस्क्रिप्शन में, स्टूडेंट्स आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, मुदस्सिर उसी टाइम बन सकता है, लेकिन आप अपनी ना लैपटॉप की कुकीज डिलीट कर लीजिएगा अगर दोबारा अकाउंट बनाना हो ना, अगर तो विंडो कर ले तो सबसे ज्यादा बेहतर है। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन एडिट करनी है तो एडिट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद हम बॉटम में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग अगर कोई अकाउंट लिंक करना चाह रहे हैं लाइक फेसबुक, ट्रेवल, स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब, वीमियो, ट्विटर, तो आप लोग यहाँ से लिंक कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई न्यू स्किल ऐड करनी है तो ऐड न्यू पे क्लिक करें, यहाँ पर स्किल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन ऐड करनी है तो ऐड न्यू एजुकेशन पे क्लिक करें, या इसको एडिट और डिलीट करना है तो ये एडिट और ये डिलीट, ठीक है। इसी तरह क्लासेस सर्टिफिकेशन में अगर आप लोगों ने कुछ ऐड करना है तो इसको ऐड कर लें, अगर एडिट करना है तो एडिट कर लें, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन मेक चेंजेस टू योर प्रोफाइल। फॉर एग्जांपल आई हैव टू क्रिएट अ न्यू गिग, तो आप लोगों ने क्लिक किया होगा, मतलब जब आप लोग क्लिक करते हैं अपने इस अपर राइट कॉर्नर पे, तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन आ रहा होगा बिकम अ सेलर, ठीक है, बिकम अ सेलर, ठीक है। तो बिकम अ सेलर पे आप लोगों ने क्लिक करना है तो वो आप लोगों को कुछ इस तरह का पेज दे देंगे, ठीक है, जिसमें 6 स्टेप्स होंगे, ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी एंड देन पब्लिश। मुझे बता दें अगर आप लोग इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग प्रॉपर गिग क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। ये पेज आप लोगों को मिल गया है कि कहाँ से आप लोगों ने एक्सेस करना है? चलिए ठीक हो गया। यहाँ पर अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है, गिग का टाइटल। अच्छा स्टूडेंट्स, अब वन बाय वन चीज़ों को लेकर चलते हैं, ठीक है। अब गिग का टाइटल है, सबसे पहले हमारा जो मेन जो चीज़ होती है ना, वो हमारे पास गिग का टाइटल होता है और उसके टैग्स होते हैं, ठीक है। किसी भी गिग को अगर रैंक करना है ना, किसी भी गिग को अगर आप लोगों ने रैंक करना है, तो सबसे पहले उसके कीवर्ड्स अच्छे से टारगेट करें आप लोग, ठीक है। सबसे पहले आप लोग उसके कीवर्ड्स अच्छे से टारगेट करें, तो ऐसे कीवर्ड्स जिनका मीडियम या लो कंपटीशन है, ऐसे कीवर्ड्स जिनका मीडियम या लो कंपटीशन है, आपने उन कीवर्ड्स को विद हाई एंड मीडियम पोटेंशियल चूज करना है, जो आपके पास कम कंपटीशन के साथ अच्छा पोटेंशियल दे रहे हैं, आपने उन कीवर्ड्स को टाइटल के अंदर टारगेट करना है, ठीक है। ये बात क्लियर है आप लोगों को? आप लोगों ने उन कीवर्ड्स को टाइटल में टारगेट करना है जो कम कंपटीशन के साथ हमें ज्यादा पोटेंशियल दे रहे हैं, और उसका ना एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है।
कीवर्ड्स को एडजस्ट करना है। मैं दोबारा बता देता हूँ, आप लोगों ने टाइटल के अंदर उन कीवर्ड्स को टारगेट करना है जिनका कम कंपटीशन हो और पोटेंशियल ज़्यादा हो। हम सभी कीवर्ड्स जो हमने एक्सप्लोर किए हैं उनको किसी ना किसी तरह एडजस्ट करेंगे, लेकिन अगेन टाइटल में हम लोग अपने यानी कि कहने क्रीम कीवर्ड्स लिखेंगे। क्रीम कीवर्ड्स कौन से होते हैं? जो कि गोल्डन होते हैं, जो गोल्डन कीवर्ड्स होते हैं, गोल्डन कीवर्ड जो कम कंपटीशन से हमें हाई पोटेंशियल मिल रहा है या मीडियम पोटेंशियल मिल रहा है, तो हम उन कीवर्ड्स को क्या करेंगे अपने टाइटल के अंदर टारगेट करेंगे। तो टाइटल के अंदर टारगेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका एक टाइटल क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो टाइटल क्रिएट करने के लिए हम लोग अपने कीवर्ड्स की हेल्प लेंगे कि हम लोगों ने जो कीवर्ड्स चूज किए हुए हैं, जैसे हमारे पास मीडियम पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल। फर्ज करें कि मैं इन तीन कीवर्ड्स को लेकर ही एक सेंटेंस बनाता हूं। अब आप लोगों ने एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जो कि एक सेंस भी दे और उसका एक आप कह लें कि एक मीनिंग भी हो और उसमें कीवर्ड्स भी टारगेट हो जाएं, ठीक है? मैं आप लोगों को वैसे मार्क भी कर देता हूँ। हम इन चार कीवर्ड्स को यूज करके अपना टाइटल बनाएंगे। इसी तरह आप लोगों ने भी बनाया करना है जो आपके गोल्डन कीवर्ड्स होंगे। फर्ज करें मैं इन चार कीवर्ड्स को यूज करता हूँ और इनको यूज करते हुए मैं एक टाइटल क्रिएट करूंगा जिसकी कोई ना कोई सेंस भी हो, ठीक है, और वो हमें टारगेट भी हो जाए। अब आप लोग मुझे अपनी सजेशन दें, ठीक है? मैं खुद भी लिखता हूं लेकिन आप लोग भी ट्राई करें, ठीक है? मैं भी आप लोगों के साथ एक टाइटल क्रिएट करता हूं। I will do business PowerPoint presentation design and PowerPoint template। ठीक है, ये देखें मैं क्या करूंगा, मैं बिजनेस PowerPoint प्रेजेंटेशन डिजाइन करूंगा और PowerPoint टेम्पलेट भी डिजाइन करूंगा, ठीक है? और लिख दे यहां पर, ठीक है, आई विल डू बिजनेस PowerPoint प्रेजेंटेशन डिजाइन और PowerPoint टेम्पलेट डिजाइन। अब देखिए कि क्या हमारा पहला कीवर्ड PowerPoint प्रेजेंटेशन टारगेट हो गया नंबर वन, ठीक है? हम इसको कुछ कलर दे देते हैं, ठीक है? उसके बाद सेकंड कीवर्ड PowerPoint टेम्पलेट, क्या ये भी टारगेट हो गया? यस। उसके बाद बिजनेस PowerPoint प्रेजेंटेशन, तो बिजनेस PowerPoint प्रेजेंटेशन क्या ये भी टारगेट हो गया? ये भी हमारे पास टारगेट हो गया, ठीक है, बिजनेस PowerPoint। और बिजनेस PowerPoint प्रेजेंटेशन डिजाइन, क्या ये भी टारगेट हो गया हमारे पास? सो यस, हमारे पास ये भी टारगेट हो गया। जी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर कि मैंने किस तरह से अपना एक टाइटल बनाया और उसमें मैंने अपने इन चार कीवर्ड्स को टारगेट कर दिया, ठीक है? Is it make sense? जी स्टूडेंट्स, अभी समझ आई इस चीज की?
अब आप लोग मुझे जरा एक एक टाइटल सजेस्ट करें। देखें बात पता क्या है, मैं जो आप लोगों को सजेशन दूंगा, मैं ये सजेशन दूंगा कि आप लोग कम से ज्यादा 4-5 कीवर्ड टारगेट करें अपने टाइटल के अंदर, ठीक है। देखें अगर आप लोग सिर्फ कीवर्ड ही टारगेट करते रहेंगे ना तो फिर मसला होगा। कोशिश करें कि वो एक सेंटेंस भी बने, उसका कोई मीनिंग भी हो। अब आप लोग एक एक टाइटल बनाएं और मुझे यहां पर कमेंट में पेस्ट करें फौरन से। आप सब लोगों ने ट्राई करना है, ठीक है, और अभी ट्राई करके मुझे बताएं आप, ठीक है। ओके, सो वी हैव 3 सजेशंस। आई विल प्रिपेयर मॉडर्न बिजनेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन एंड पावर पॉइंट टेम्पलेट्स। ओके गुड, आई विल मेक योर बिजनेस सीवी रिज्यूमे और डिजाइन योर प्रोफेशनल सीवी। आई विल मेक योर बिजनेस सीवी रिज्यूमे और डिजाइन योर प्रोफेशनल सीवी। ओके, तनवीर अहमद का भी अच्छा टॉपिक, अच्छा टाइटल है, ठीक है। यू कैन हायर मी फॉर नहीं, यू कैन हायर मी नहीं लिखना, ठीक है। नेविगेटर हुसैन, बेसिकली जो आई विल है ना वो स्टैटिक है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। आई विल पहले से ही लगा होगा, ठीक है। आई विल स्टैटिक है, वो आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो आप मतलब वो एज इट इज ही रहेगा। आप लोगों ने नेक्स्ट उसका टाइटल लिखना होगा आई विल से आगे। मुदसर आरिफ, आप बैकग्राउंड रिमूवल, कंटेंट राइटिंग एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक ही टॉपिक में नहीं ऐड कर सकते, प्लीज अवॉइड इट, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूवल की अलग गिग होगी, कंटेंट राइटिंग की अलग गिग होगी और पीपीटी की अलग गिग होगी। इकरा, बेसिकली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बाद अगर आप कोमा ऐड कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखें जब आप मल्टीपल वर्ड्स को मेंशन करते हैं ना तो उसमें आप कोमा यूज किया करें।
अब नाजिया बानो, यू रोट अ टाइटल, आई विल प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आई विल व्हाट? लाइक आई विल इज नॉट गिविंग अस अ सेंस दैट व्हाट यू विल डू, राइट? यू विल प्रिपेयर और आया कि यू विल डिजाइन, क्लियर? सो यू शुड नीड टू मेंशन आई विल डिजाइन, आई विल डू, आई विल प्रिपेयर, आई विल मेक, आई विल क्रिएट। अंडरस्टूड? आई विल डिजाइन बिजनेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट टेम्पलेट, गुड। आसपास सतार, अ गुड वन। आई विल गिव यू द बेस्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स, बट दैट्स अनदर कीवर्ड, दैट्स अनदर कीवर्ड। यू हैव टारगेटेड बेस्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है? तो वो एक और कीवर्ड, एक अलग कीवर्ड बन जाता है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द थ्री कीवर्ड्स आई हैव सेलेक्टेड बेसिकली, ठीक है? तो खैर, अब इस तरह से आप लोग जो है ना अपना एक प्यारा सा टाइटल बना लेंगे अपनी गिग का, ठीक है? अब सभी लोग कर लेंगे, हम नेक्स्ट मूव करें फिर। आयशा मलिक, आपका जो है ना वो टाइटल तो ठीक है, बट कंपटीशन बहुत है इस इन कीवर्ड्स के ऊपर, कंपटीशन बहुत है। चलें, वेरी गुड, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम इसका टाइटल जो है हम फर्ज करें, इसी को फाइनल करते हैं, ठीक है? और इसको हम लिख देते हैं, उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? कैटेगरी हम लोगों ने सर्च की थी, ठीक है? यहाँ पर अब आप लोगों ने राइट कैटेगरी चूज करनी है। बैकग्राउंड रिमूवल का ना कैनवा एक है वो टूल, ठीक है? तो हम लोगों ने ना एक दिन कैनवा पे लगाना है, ठीक है? तो तब मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को मैं टूल भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? कैनवा में ये चीज़ होगी, तो कैनवा जब मैं आप लोगों के साथ अकाउंट दूंगा ना, जब आप लोगों को गीकी इमेज बनाना सिखाऊंगा, तब आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। गीक का ऑप्शन कहाँ से सर्च करना है आप लोगों को ना? अपर राइट कॉर्नर पे ये एक बटन नजर आ रहा होगा, एक सर्कल में आपकी जो इमेज होती है ना वो नजर आ रही होगी, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, बिकम अ सेलर, ठीक है? तो बिकम अ सेलर पे आपने क्लिक करना है और वो आपको जो है वो गिग क्रिएशन के पेज पे ले जाएगा। टाइटल सिलेक्ट करने के बाद कैटेगरी हम लोगों ने सर्च की थी जी, ठीक है आयशा, गुड, टाइटल ठीक था आपका।
कैटेगरी ग्राफिक एंड डिजाइन, ठीक है, एंड देन प्रेजेंटेशन डिजाइन, क्लियर। इसके बाद फुल प्रेजेंटेशन डिजाइन, सर्विस टाइप आप लोगों ने कह देना है फुल प्रेजेंटेशन डिजाइन, पर्पस आप लोगों ने कह देना है कोई भी पर्पस हो सकता है, ठीक है, एजुकेशन पर्पस भी हो सकता है, रिसर्च भी हो सकती है, मार्केटिंग, सेल्स, ठीक है। तो ये तीन आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेने कोई भी। प्रेजेंटेशन का कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं वो लिख देना, पावर पॉइंट, अगर गूगल स्लाइड्स भी करते हैं गूगल स्लाइड भी क्लिक कर दें, ये बेसिकली ना मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, ठीक है, ये डेटा देना होता है अबाउट दिस डेटा, कि अगर आप किसी बंदे को ऑफर करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन डिजाइन की सर्विस, ठीक है, तो उससे रिलेटेड डेटा आप लोगों ने नीचे सिलेक्ट करना होता है कि आप लोग इसके अंदर कौन कौन सा डेटा ऑफर करने जा रहे हैं, ठीक है। सो डेटा अबाउट डेटा इज बेसिकली नोन एज मेटा डेटा। तो हम लोग मेटा डेटा में इसकी मजीद डिटेल्स जो है वो लिख देते हैं कि इसकी सर्विस टाइप कौन सी है, इसका पर्पस क्या है, इसका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, और इसके बाद हम किस किस इंडस्ट्री के लिए ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस डिजाइन करते हैं। इंडस्ट्री लाइक बिजनेस इंडस्ट्री, ब्यूटी, आर्ट एंड डिजाइन, ई कॉमर्स, ठीक है, कोई भी चार आप लोगों ने सिलेक्ट करनी। So let's exclude beauty and art, and I prefer to select, I can prepare slides on marketing and advertising. And wellness, right? उसके बाद हम इसको next कर देंगे, language. This is data about data. ठीक है, तो मेटा डेटा में आप लोगों ने वो ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं जो कि आप लोग सर्विस की मतलब मजीद डिटेल्स है ना कि आप लोग क्या ऑफर करने जा रहे हैं अपने कस्टमर को। सो आई प्रेफर दिस नीड्स टू बी इन इंग्लिश। राइट, इमेज फाइल फॉर्मेट, इमेज की फाइल फॉर्मेट आप कौन सी देंगे, मतलब कि फाइल फॉर्मेट बेसिकली क्या होता है कि जब आप पावर पॉइंट की स्लाइड सेव करते हैं, ठीक है, या आप लोग अपनी जो है वो पीडीएफ की फाइल सेव करते हैं, तो हर एक की ना कोई एक्सटेंशन होती है, ठीक है, तो उस एक्सटेंशन को बेसिकली हम लोग जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। लाइक अगर हम पावर पॉइंट पे कर रहे हैं तो वो हमें पीपीटी देगा, ठीक है, अगर आप उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके देना चाहते हैं तो आप लोग उसे पीडीएफ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारे पास फाइल एक्सटेंशन होती है, तो इन फाइल एक्सटेंशन को आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि आप लोग उन्हें ये ऑफर कर रहे हैं। ये ऑफर करने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारे पास आ जाते हैं जी सर्च टैग्स। सो ये सर्च टैग्स भी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्च टैग्स अब हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा अब ऐसे है कि हम लोग टाइटल के अंदर सभी कीवर्ड्स को टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है, टाइटल के अंदर हम सभी कीवर्ड्स को टारगेट नहीं कर सकते, इसलिए कुछ दूसरे कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें अगर हम लोगों ने टारगेट करना है तो उसके लिए हमें टैग्स ऐड करना पड़ते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कभी इंस्टाग्राम पे हैशटैग ऐड किया हो, ठीक है, कोई बता सकता है कि इंस्टाग्राम पे वो हैशटैग जो हम ऐड करते हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इंस्टाग्राम पे जो हम लोग हैशटैग ऐड करते हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम वो क्यों ऐड करते हैं, एनीवन कैन एक्सप्लेन।
ओके, मतलब कि आपकी पिक किसी दूसरे की प्रोफाइल पे शो हो अपनी ऑडियंस को एक्सपेंड करने के लिए सोशल मीडिया? नहीं, इंस्टाग्राम तो सोशल मीडिया वेबसाइट है, बट उसमें हम वो क्यों मेंशन करते हैं? लाइक जो टैग्स होते हैं, हैशटैग्स, वो हम क्यों मेंशन करते हैं? अच्छा, हैशटैग हम इसलिए ऐड करते हैं, फर्स्ट करें, अगर मैंने हैशटैग ऐड किया है हैशटैग फैशन, ठीक है, तो वो हैशटैग ऐड करने का मकसद क्या होता है? कि आप कोई भी अगर पोस्ट उसके ऊपर पब्लिश कर रहे हैं तो वो उस हैशटैग के ऊपर पब्लिश हो, ठीक है? अगर आप उस हैशटैग को ओपन करें तो वहां पर वो आपकी पोस्ट नजर आ रही होती है। इवन पूरी दुनिया से अगर हैशटैग फैशन के ऊपर, ठीक है, सिर्फ हैशटैग फैशन के ऊपर अगर पूरी दुनिया से कोई भी बंदा पोस्ट करता है और आप सर्च करें ना इंस्टाग्राम के ऊपर जस्ट हैशटैग फैशन, तो आप लोगों को नजर आ जाता है वो, ठीक है? सो दिस इज वाई वी यूज हैशटैग्स। अब हम यहाँ पर टैग्स का क्या कॉन्सेप्ट है? थोड़ा सा सिमिलर है कि हम लोग कुछ ऐसे कीवर्ड्स के कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं जो कि मिलकर भी एक डिफरेंट टैग बना देते हैं, ठीक है, जो मिलकर एक पूरा कीवर्ड भी बना देते हैं और वहां पर आपकी गीक सर्च हो जाती है। क्लियर? अब ऐसे कीवर्ड्स जिन्हें आप टाइटल के अंदर नहीं टारगेट कर पाए उनको आप टैग्स के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है? अब हम किस तरह से टैग्स ऐड करेंगे? फर्स्ट करें हमारे पास कीवर्ड हैं लाइक दिस। फर्स्ट करें गूगल स्लाइड्स हम नहीं ऐड कर सके, ठीक है, तो हम यहाँ पर गूगल स्लाइड्स ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर आपकी जो गिग है ना वो सिर्फ टाइटल के कीवर्ड्स पे नहीं बल्कि आपके सर्च टैग्स पर भी सर्च होगी, ठीक है? तो हम लोगों ने ऐड कर दिया गूगल स्लाइड्स। इसके अलावा पावर पॉइंट स्लाइड्स, इसके अलावा प्रोफेशनल और मॉडर्न, प्रोफेशनल मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अच्छा, अब ये मैंने ना पांच टैग्स ऐड किए। एक तो तरीका ये है कि आप लोग अपने कीवर्ड्स में से कुछ वर्ड्स उठाकर उनको सर्च टैग्स में ऐड कर दें। अब जो टैग होता है वो मल्टीपल टैग्स मिलकर एक टाइटल बनाते हैं, एक कीवर्ड बनाते हैं। फर्ज करें मैंने अब ये फर्ज करें मैंने ये टैग्स ऐड किए हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना इसका वो समझाता हूँ मतलब। अब अगर कोई बंदा सर्च करता है प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन तो भी आपके गिग शो होगी, क्यों? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैग्स, क्लियर? अब कोई बंदा सर्च करता है मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन तो भी आपकी गिग आएगी। अगर कोई सर्च करता है गूगल स्लाइड्स तो भी आपकी गिग आएगी। अगर कोई सर्च करता है प्रोफेशनल पावर पॉइंट स्लाइड्स तो भी आपकी गिग आएगी। अगर कोई सर्च करता है मॉडर्न पावर पॉइंट स्लाइड्स तो भी आपकी गिग आएगी। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्च टैग्स दैट वन और मोर सर्च टैग्स मेक्स अ कीवर्ड एंड दैट इज लाइक अ सर्च कीवर्ड फॉर योर स्पेसिफिक गिग। इज इट क्लियर टू यू पीपल के टैग्स क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे यूज करते हैं फाइवर के अंदर एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज? सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो इसमें पूछ ले मुझसे। चलिए
एक तो तरीका ये हो गया कि आप लोग अपने कीवर्ड्स को थोड़ा सा ब्रेक करके तो फिर आप ये चीज देख लें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमने मतलब यहां से नहीं लेने टैक्स तो हम लोग कहाँ से हेल्प ले सकते हैं। यस यू कैन एडिट योर गिग इन्फॉर्मेशन, लेकिन बट वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन ही ना, वेरी गुड क्वेश्चन। SEO में एक बड़ा ही मेन फैक्टर है, बहुत ही मेन फैक्टर, जो कि मुझे हिना ने याद करवा दिया अभी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो टाइटल होता है ना, ये जो टाइटल होता है, ये वाला जो टाइटल है, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ लिंक का, ठीक है। आप कोई भी गिग ओपन करें यहाँ पर, मतलब कि चलिए खैर हम ना पहले टैग्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि फ्लो जो है ना वो ब्रेक ना हो। टैग्स और कहाँ से हम ले सकते हैं? टैग्स लेने के लिए आप लोगों ने मेन कैटेगरी में जाना है, ग्राफिक एंड डिजाइन, प्रेजेंटेशन डिजाइन, ठीक है। इसको आप लोगों ने एक्सप्लोर कर लेना है। अब यहां पर जो बेस्ट सेलिंग के अंदर गिग्स है ना, आपने ना चार पांच इनकी गिग्स ओपन करनी है और इन गिग्स के बॉटम में चले जाना है। इन गिग्स के बॉटम में आपको टैग्स मिल जाएंगे, ये देखिए रिलेटेड टैग्स आ रहे हैं आप लोगों को नजर। ठीक है, तो ये जो रिलेटेड टैग्स है ना, यहां से आप लोग मतलब किसी के दो टैग किसी इस गिग के पकड़ लिए, दो टैग्स इस गिग के पकड़ लिए, ठीक है, रेलिवेंट जोन दो टैग्स इसके पकड़ लिए, तो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं ना, आप लोगों ने वो ले लेना है। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि आप लोग जो है ना मतलब क्योंकि इनके लिए बेस्ट सेलिंग में चल रहे हैं ये, ठीक है, तो अगर ये टैग्स इनके लिए बेस्ट सेलिंग में बेस्ट वर्क कर रहे हैं तो आप लोग इन्हीं टैग्स को चूज कर सकते हैं और कीवर्ड्स को हम डिस्क्रिप्शन में टारगेट कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ वे यू कैन ट्राई मल्टीपल मेथड्स। देखें कोई भी चीज़ है ना, अगर आप लोग इवन फाइवर करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, ये चीज़ें ना ट्रायल मांगती हैं, ठीक है, डिफरेंट ट्रायल्स मांगती हैं। डिफरेंट ट्रायल्स का क्या मतलब है? कि आप लोगों के लिए एक चीज़ वर्क नहीं कर रही, ठीक है, क्या पता वो दूसरे के लिए वर्क कर रही हो, ठीक है, दूसरे के लिए एक चीज़ वर्क नहीं कर रही, वो आपके लिए वर्क कर रही हो। सो टेस्टिंग, टेस्टिंग अंटिल यू गेट सक्सेस, टेस्टिंग अंटिल यू लर्न द थिंग्स, ठीक है। योर हार्डवर्क इज बेसिकली द वैक्सीनेशन टू अवॉइड द फेलियर, राइट, योर हार्डवर्क इज अ वैक्सीनेशन टू अवॉइड द फेलियर। जब तक आप लोग इसको हार्डवर्क करके ट्रायल्स नहीं देंगे, मल्टीपल गिग्स बना के एक्सपीरियंसेस गेन नहीं करेंगे, यू कैन नॉट अचीव इट, यू कैन नॉट टेक ऑर्डर्स, ठीक है। सो ये नहीं कि आप लोगों ने एक गिग बनाई और बस कर दी, एक गिग पे आप लोग मल्टीपल स्ट्रेटजीज यूज करें, मल्टीपल टैग्स यूज करें। एक गिग बना ली, उसी निश पे एक और गिग बना लें, अगर फिर ऑर्डर नहीं आ रहे, अगर क्लिक्स नहीं आ रहे, इंप्रेशन नहीं आ रहे, फिर एक और गिग बना लें, ठीक है। बट आई विल डेफिनेटली टेल यू द टेक्निक्स टू ऑप्टिमाइज योर गिग एंड हाउ यू कैन प्योरीफाई इट एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव इट, करेक्ट। जिस तरह मैंने आप लोगों की प्रोफाइल्स रिव्यू की, इस तरह से मैं आप लोगों की गिग्स भी रिव्यू करूंगा। बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टैग्स। यू कैन यूज डिफरेंट टैग्स फ्रॉम डिफरेंट बेस्ट सेलिंग गिग्स, राइट। सो हम लोग अभी फिलहाल इसको ही फर्स्ट करें, प्रेफर करते हैं, तो हम देखते हैं प्रेजेंटेशन डिजाइन, पावर पॉइंट टेम्पलेट, पावर पॉइंट टेम्पलेट, पावर पॉइंट टेम्पलेट। तो पावर पॉइंट टेम्पलेट का जो कीवर्ड है, जो टैग है ना, वो ज्यादा बार यूज हुआ है, पावर पॉइंट टेम्पलेट। और कौन सा ज्यादा बार यूज हुआ है? प्रेजेंटेशन डिजाइन, प्रेजेंटेशन और गूगल स्लाइड, प्रेजेंटेशन डिजाइन, गूगल स्लाइड्स, पीपीटी, ठीक है। और कौन सा कीवर्ड यूज हुआ ज्यादा? जस्ट प्रेजेंटेशन। नहीं जी, ये हमने ना कोई पहली पांच सात जो गिग्स थी ना,
उनमें से बस मिक्सअप करके हमने कुछ टैग्स उठा लिए। क्यों उठाए, क्या वजह थी, क्यों वो उनको बेस्ट सेलिंग पर लेके आए हैं? ठीक है, अगर वो कंपेटिटर के लिए वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए भी वर्क करेंगे। इज इट क्लियर टू यू पीपल? टैग्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है? और टैग्स अब आप लोग ऐड कर लेंगे। मुदस्सिर, यू कैन मेक अनदर गिग आफ्टर कंप्लीटिंग वन गिग। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? हिना इदरीस, आप हर टैग के बाद इंटर प्रेस करें, ठीक है, फिर ऐड हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप चीजों को फौरन से प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, जिस तरह से मैं चीजें सिखा रहा होता हूँ आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, बल्कि ज्यादातर लोग तो सो रहे होते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, खैर टैग्स ऐड करने के बाद अब एक क्वेश्चन आया कि क्या टाइटल, मतलब हम चेंजेस कर सकते हैं, तो आप हर किस्म की चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन टाइटल के अंदर चेंज करना आप लोगों को, आप लोगों के लिए जो है वो मुश्किल होता है। ठीक है, डेफिनेटली अगर आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो फिर मुझे पता चल जाता है कि अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं ना। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो डेफिनेटली मुझे पता है कि आप लोग सिर्फ एज यूजुअल यूनिवर्सिटी सेशंस की तरह सुन रहे हैं सिर्फ। खैर, मैंने एक गिग ओपन की, जिस गिग का टाइटल है I will do market research and design presentation, ठीक है, लेकिन इस गिग का जो लिंक है, जो ऊपर लिंक शो हो रहा है, जो URL शो हो रहा है, उसमें क्या लिखा हुआ है? Design a pro presentation for you। यानी कि इस बंदे की गिग का जो टाइटल पहले था जब इसने गिग बनाई थी, मैंने वो फाइंड कर लिया, वो क्या था? डिजाइन अ प्रो प्रेजेंटेशन फॉर यू। अब देखें कि जब आप अपनी गिग के टाइटल को चेंज करते हैं तो आपका ऊपर जो गिग का लिंक होता है वो चेंज नहीं होता। दैट मींस अ पुअर SEO, कि आपका टाइटल डिफरेंट है और लिंक डिफरेंट है, तो ये जो चीज है ये पुअर SEO में काउंट की जाती है। अब आप लोगों का टाइटल सेम होना चाहिए जो आपका लिंक है, ठीक है, तो ये समझ लें कि टाइटल आपका सेम रहेगा, लाइक टाइटल आपका चेंजेबल नहीं होगा, आप लोग टाइटल चेंज नहीं करेंगे, बाकी जो मर्जी चेंज कर लें। क्यों? अगर टाइटल चेंज करेंगे तो ये लिंक चेंज नहीं होगा, जो आपकी गिग को असाइन कर दिया जाएगा पूरी जिंदगी सिर्फ वही लिंक रहेगा, उसके अलावा लिंक चेंज नहीं होगा, इसलिए टाइटल पर फोकस करना जरूरी है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसको आप लोग सेव कर लीजिएगा जितनी आप लोगों ने बना ली, बाकी इंशाल्लाह हम कल मूव करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बच्चों की प्रोफाइल्स हम इंशाल्लाह कल विजिट करेंगे। कल क्लास की टाइमिंग जो है वो जो ग्रुप में लास्ट टाइम पोस्ट की गई थी ना वही टाइमिंग है, शायद 10:15 से 11:30। ठीक है, आज का टॉपिक क्लियर है सबको? टाइटल सिलेक्ट कर लेंगे, टैग्स वगैरह सर्च कर लेंगे, चीजों की कुछ समझ आ रही है आप लोगों को या कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग? मुझे लग रहा है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा होगी। टाइटल के अंदर आपने हिना इद्रीस कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना, मतलब डैश स्लैश वगैरह कुछ नहीं यूज करना आपने। नहीं, कोई इशू नहीं है, शॉर्टर टाइटल अगर हो तो फिर ही है ना, अगर नहीं बन रहा तो लॉन्गर टाइटल आप लोग यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।